नमस्कार डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी कंसेप्ट में आपका फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लास प्लस टू की फिजिक्स के हर यूनिट का हर दिन एक नया लेक्चर आपको देखने को मिलेगा अपने चैनल पर। यदि आपने अभी तक एनसीईआरटी कंसेप्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी एनसीईआरटी कंसेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है ना, जिससे आपको हर लेक्चर की नोटिफिकेशन मिले, ठीक है ना। फिर ये विद्यार्थियों, प्लस टू की बात करते हैं। प्लस टू में जो फिजिक्स की बात करते हैं, इसमें टोटल यूनिट कितनी है दोस्तों? 10 यूनिट है। बारहवीं की जो फिजिक्स है उसमें कुल यूनिट कितनी है? 10 यूनिट है। और इनके कुछ पार्ट भी हैं, फिर अलग अलग यूनिट के अलग अलग पार्ट है, ठीक है। आज दोस्तों पहली यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। फर्स्ट यूनिट है प्लस टू क्लास की फिजिक्स की, पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इसके पार्ट है, ठीक है। जैसे पार्ट की बात कर लेते हैं, जो पहला पार्ट है इसका वो कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, यहां लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होती है, जो यूनिट है उसका पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। दूसरी, इसी के अंदर जो दूसरी यूनिट है, इस यूनिट का पार्ट है, ठीक है, उसका क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो तीसरी यूनिट है इसके अंदर, ये सारे के सारे जो है ना यूनिट है किसकी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक की है, ठीक है। इसके बारे में जो तीसरा पार्ट है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। और एक लास्ट यूनिट है, इस यूनिट का जो पार्ट है उसका क्या नाम है? कैपेसिटेंस। क्या नाम है? कैपेसिटेंस। ये चारों यूनिट हैं पहली यूनिट के पार्ट है, ठीक है। आज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे आज आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में। प्रिय डियर स्टूडेंट, बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इस यूनिट की बात करते हैं जो पहली यूनिट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है क्या? सीधी सी बात है, यहां देखिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, स्टैटिक की बात करें, स्टैटिक होता है रेस्ट। मतलब क्या है इस पूरे वर्ड का? भी जब इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन में हो? रेस्ट में हो। तो सीधी सी बात है, जो चार्ज मिलेगा आपको इसमें रेस्ट की पोजीशन में मिलेगा, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहते हैं। स्टैटिक चार्ज की बात कर लेते हैं। स्टैटिक चार्ज की होता क्या है? स्टैटिक चार्ज, डियर स्टूडेंट, स्टैटिक जो चार्ज है वो क्या होता है? जो इंसुलेटिंग जो बॉडी होती है चार्ज की, वो कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, सो इज कॉल्ड स्टैटिक चार्ज। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए इसके अंदर जो भी चार्ज है वो मूव नहीं करेगा, ठीक है, वो एक ही जगह रहेगा। स्टैटिक होता है चार्ज बॉडी के ऊपर रेस्ट में हो, उसको क्या कहते हैं? स्टैटिक चार्ज। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की, होता क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन है उसको लिख लीजिए आप। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द
ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ किसकी स्टडी करेंगे चार्ज की स्टडी ऑफ चार्ज और चार्ज भी कौन सा जो कि क्या हो चार्ज क्या हो रेस्ट पे हो चार्ज एट द रेस्ट ठीक है भाई चार्ज हो रेस्ट पे होगा जबकि द फोर्स बिटवीन द फोर्स बिटवीन द स्टैटिक चार्ज बिटवीन द स्टैटिक चार्ज ठीक है आगे देखो फील्ड और इसकी जो पोटेंशियल है ड्यू टू दीज चार्ज इज कॉल्ड क्या कहलाएंगे शाबाश चार्ज क्या कहलाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक ठीक है द स्टैटिक चार्ज ड्यू टू दिस शाबाश ड्यू टू दिस इसके आगे क्या लिखेंगे आप इसकी डेफिनेशन देनी है ना उसके आगे क्या लिखेंगे ड्यू टू दिस चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ठीक है वही बात है जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है वो रेस्ट पे पाएगा दो फोर्स लगाएंगे बिटवीन द स्टैटिक चार्ज पे उसके जो फील्ड है और जो पोटेंशियल है उसका कारण बनेगा क्या चार्ज ठीक है इसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ठीक है अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर लेते हैं सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है द एडिटिव लिख लीजिए आप ये एक प्रॉपर्टी है चार्ज क्या है एक प्रॉपर्टी है एडिशनल प्रॉपर्टी है किसकी इलेक्ट्रॉन की क्या करता है जो गिव करता है किसको राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स को बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज एक बार फिर बता देता हूं ये एक एडिशनल प्रॉपर्टी है किसकी चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे थे हम इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या क्या होता है द एडिटिविटी ऑफ प्रॉपर्टी एडिशनल प्रॉपर्टी है किसकी किसी चार्ज की द एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ which give rise to क्या करता है which जो बढ़ा देता है किसको बढ़ा देता है इलेक्ट्रिक फोर्स को between the किस किस के बीच बढ़ा देता है इलेक्ट्रिक फोर्स को बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इस पे टू इलेक्ट्रॉन पे उसको क्या कहेंगे इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज ठीक है क्या करता है इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है जो एडिशनल प्रॉपर्टी होती है चार्ज की जो क्या करता है इंक्रीज कर देता है राइज कर देता है क्या इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या करता है राइज कर देता है किसको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फोर्स को उसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं ठीक है ना डियर स्टूडेंट इसके बाद आप जो अगला कंटेंट देख रहे हैं वो ये है
इसमें अपने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था 10वीं क्लास में, याद होता कुछ भी? जो चार्ज होते हैं, चार्ज के बारे में पढ़ा था। जो चार्ज होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव। दो प्लस प्लस जो चार्ज होते हैं, सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं, रिपल्सन करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का अर्थ क्या है, रिपल्सन का अर्थ क्या है? एक दूसरे को दूर भगाते हैं, ठीक है। और प्लस माइनस का जो चार्ज है वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये दो प्रॉपर्टी थी किसकी? चार्ज की, ठीक है ना। भी एक तो पॉजिटिव होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जो सेम सेम चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं, एक दूसरे को अलग भगाते हैं। और प्लस माइनस जो अपोजिट जो चार्ज होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जो कुछ तीन पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ये तीनों पार्टिकल हैं, इनके बारे में देखेंगे आप। इसके बारे में क्या देखेंगे? जो इन पे इनका मास देखेंगे, ठीक है। किस किस का मास? ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और मास ऑफ न्यूट्रॉन का, और मास ऑफ प्रोटॉन का, ठीक है। इन तीनों का मास देखेंगे हम, ठीक है। कैसे? हमने याद रखना है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.10, ठीक है। 9.40 मल्टीपल में क्या? 10^-31। और न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं, उसका मास आपको याद रखना है, ये न्यूमेरिकल आएगा आगे, उसमें आपको बहुत जरूरी है ये आपके लिए। 4.93 मल्टीपल में 10^ कितनी? -87 किलोग्राम। अब बात कर लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। उसमें मास कितना होता है? कितना होता है? 1.07262 मल्टीपल में 10^-20 किलोग्राम। एक किलोग्राम क्यों लगाया? क्योंकि मास की सही यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद कर लेना, ठीक है ना। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम। जो चार्ज है, चार्ज के बारे में किसने बताया था? एक चार्ज के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो अमेरिकन साइंटिस्ट था, उसने चार्ज के बारे में बताया था कि चार्ज टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसके आगे अगला जो टॉपिक है आपका वो देखिए, अगला टॉपिक है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड डाइइलेक्ट्रिक। इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे हम। कंडक्टर होता क्या है? सीधी सी बात है, कनेक्टर क्या होता है? जिसमें से क्या हो, इजिली पास हो जाए क्या चार्ज या इलेक्ट्रॉन, जिसमें से आसानी से वो सब्सटेंस जिसके अंदर से आसानी से क्या पास हो जाए? इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, बोले तो चार्ज पास हो जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पास हो जाए, उसे क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। अब कंडक्टर की डेफिनेशन आ जाए तो आप लिख लीजिए, कंडक्टर होता क्या है वो लिखिए आप। ए सबस्टांस विच, ए सबस्टांस विच इजिली पास, इजिली पास क्या चार्ज या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज, इज कॉल्ड कंडक्टर। एग्जाम्पल कंडक्टर के,
मेटल है, ठीक है, और लिक्विड है। जैसे कंडक्टर की बात कर लेते हैं, बेस्ट कंडक्टर की बात करते हैं, सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है, सिल्वर है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टिविटी, ठीक है ना। आप ये याद कर लेना कंडक्टर क्या होता है। बात कर लेते हैं इंसुलेटर की, और इसके साथ साथ अर्थ भी क्या है, अर्थ भी क्या है, एक गुड कंडक्टर है, ठीक है। अर्थ भी क्या है, एक गुड कंडक्टर है, अर्थ इज ए गुड कंडक्टर, ठीक है। और इसकी एग्जांपल अर्थ तो है ही है, अर्थ इज ए गुड कंडक्टर। और ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी भी क्या है, गुड कंडक्टर है, ठीक है ना। प्रिय विद्यार्थियों, ये जितने भी कंडक्टर के एग्जांपल हैं आपको याद करने हैं। अब बात कर लेते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या होता है, इसका अपोजिट है, इसमें से तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ठीक है ना। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, वो सब्सटेंस विच सब्सटेंस डज नॉट पास इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इंसुलेटर, ठीक है। इसकी क्या होगी, पुअर कंडक्टिविटी होगी, बहुत ही कम कंडक्टिविटी होती है इंसुलेटर की। इसके एग्जांपल प्लास्टिक है, ठीक है। और बात कर लेते हैं डाइइलेक्ट्रिक की, डाइइलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं। इंसुलेटर है ना, उसे ही क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल डाइइलेक्ट्रिक के पेपर है, वुड है, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कुछ कंपोनेंट्स हैं, उन पे आपने देखना है पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है और नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एनसीईआरटी कंसेप्ट को, आपको हर प्रकार का इधर एनसीईआरटी कंसेप्ट ही मिलेगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं।